उनका ये भी कहना है कि नेताजी की सीट है और नेताजी की विरासत है, इस पर विरासत रास्ते जमीन जायदाद की होती है कि राजनीति में विरासत होते का कितने बड़े बड़े नेता भाई उनके पुत्र ने कहा जाए विरासत संभाली, आप बताओ विरासत जमीन जायदाद की होते, राजनीति में कोई विरासत नहीं होती है, राजनीति जो मेहनत करता है वही अपनी विरासत बनाता है। इस चुनाव को किस नजर से आप देख रहे हैं? ये चुनाव समाजवादी पार्टी खत्म हो जाएगी, उसके बाद समाजवादी पार्टी के पास कुछ भी नहीं बचेगा। वैसे भी प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी को नकार दिया है और ये 17, 19, 14 और 22 में प्रदेश की जनता ने दिखाया है कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ है और ये समाजवादी पार्टी के आखिरी की साबित होगी। देखिए आज माननीय योगी जी की करहल में मीटिंग है, उसके जिस तरीके से आप गाड़ियों का जत्था देख रहे हैं हमारे सामने, और हमारे साथ खड़े हुए हैं इटावा की जिला अध्यक्ष संजीव जी, और जानते हैं इनसे आज माननीय योगी जी की मीटिंग है करहल में, और जिस तरीके से करहल से अखिलेश जी विधायक भी हैं और पहली बार करहल में उनका आगमन हो रहा है, योगी जी का क्या कहना है? नहीं, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी मैनपुरी लोकसभा के उपचुनाव में करहल से संबोधित करेंगे और इसमें करहल सहित हमारी जसमन नगर के कार्यकर्ताओं को यहाँ लगाया गया, तो हम लोग करहल की रैली में जा रहे हैं। अच्छा, जिस तरीके से मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव जो हो रहा है, बहुत बड़ी लोकसभा है जिसमें 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और उसमें आपकी जसमन नगर भी है, तो उसके क्या अपेक्षा कर रहे हैं इस बार चुनाव को देखते हुए? नहीं, अब की बार जीतेंगे ना, भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ अब की बार हमारा कार्यकर्ता खड़ा है, सरकार खड़ी है, तो ये चुनाव कोई राष्ट्रवाद और उसका समाजवाद नहीं है, जो भले लोग गुंडे बदमाशों के खिलाफ है पूरा चुनाव। प्रदेश की पॉलिसी अलग होती है और जसमंत के लिए अलग पॉलिसी होती है, तो यह जसमंत नगर में अब की बार हम लोग विधानसभा भी जीत के देंगे। जहाँ पूरा उनका परिवार लगा हुआ है समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, और वहीं चाचा जी दोनों एक हो गए हैं, उसका कितना प्रभाव? देखो, घर परिवार की जे इसका लोकतंत्र से कोई मतलब नहीं होता है, ये परिवार में ना हमका जी तो चाचा का अलग, भतीजे का अलग, भैया ये तो सब चलता है, वो कोई वहाँ कोई लोकतांत्रिक संगठन थोड़ा ही है, वो तो उनको घरेलू मामला है, वो उसका लोकतंत्र से क्या लेना देना, अलग रहे या एक साथ रहे इसका कोई फर्क नहीं पड़ा, ना कोई लोकतांत्रिक पार्टी है, वो तो एक परिवार लड़ रहा है, ये इधर पूरी भारतीय जनता पार्टी है। उनका ये भी कहना है कि नेताजी की सीट है और नेताजी की विरासत है, इस पर विरासत रास्ते जमीन जायदाद की होती है, राजनीति में विरासत होते का कितने बड़े बड़े नेता भाई उनके पुत्र ने कहा जाए विरासत संभाली, आप बताओ विरासत जमीन जायदाद की होते, राजनीति में कोई विरासत नहीं होती है, राजनीति जो मेहनत करता है वही अपनी विरासत बनाता है। देखिए, ये थे हमारे सामने जिला अध्यक्ष, जो कहना था विरासत जो होती है राजनीति में नहीं होती है पर जमीन जायदाद में होती है। हमारे सामने महामंत्री जी खड़े हुए हैं, तो जी जिस तरीके से इस चुनाव को किस नजर से आप देख रहे हैं? ये चुनाव समाजवादी पार्टी खत्म हो जाएगी, इसके बाद समाजवादी पार्टी के पास कुछ भी नहीं बचेगा। वैसे भी प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी को नकार दिया है और ये 17, 19, 14 और 22 में प्रदेश की जनता ने दिखाया है कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ है और ये समाजवादी पार्टी के आखिरी की साबित होगी। और जिस तरीके से वो तो दावा कर रहे हैं कि हम जीतने जा रहे हैं, दावा करते रहते हैं, दावा उन्होंने 14 में भी किया था, दावा 17 में भी किया था, 19 में भी किया था, 22 में भी किया था, 10 तारीख की धमकियां भी मिल रही थी जनता को, जनता है सब जानती है सब देखती है। देखिए, जिस तरीके से हमारे सामने मंत्री जी थे और विधानसभा क्षेत्र जसवंत नगर से हर एक कार्यकर्ता योगी जी की जनसभा में जा रहा है और हम जनसभा को भी आपको दिखाएंगे, और इसके बाद जो हमने बात करी है उन्हीं के कार्यकर्ता से उसको भी आप देखिएगा, और ये गाड़ियों का जत्था जिस तरीके से आप देख रहे हैं, यह गाड़ियां पूरा ये लिखा हुआ है प्रशांत राव चौबे विशाल जनसभा में आपका स्वागत है, जिस तरीके से आप दिख रहा है जितेंद्र गौड़ जी बीजेपी के जिला महामंत्री हैं, और सभी ये गाड़ियां जितनी भी हैं विधानसभा क्षेत्र जसवंत नगर की गाड़ियां, क्योंकि विधानसभा क्षेत्र जो जसवंत नगर है
मैनपुरी लोकसभा में ही आता है। नमस्कार, इस समय हम इटावा मैनपुरी रोड पर चल रहे हैं और करहल में नरसिंह यादव इंटर कॉलेज में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभा है और इस समय हम आ चुके हैं सैपई में, जिस तरीके से कहना चाहेंगे। और ये बीजेपी की जो गाड़ियां हैं प्रशांत राज चौबे जी की जा रही हैं, जिस तरीके से हमारे साथ बैठे हुए हैं, इनसे जानते हैं। स्वागत है सर। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे, आज योगी जी आ रहे हैं। योगी जी का जो संदेश है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। आजमगढ़ में जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, उसी को दोहराने का प्रयास है जो मैनपुरी में होगा। क्योंकि ये जो परिवारवाद की राजनीति है, उसको खत्म करना है। क्योंकि परिवारवाद कभी भी राष्ट्रवाद से बड़ा नहीं हो सकता है। परिवारवाद को खत्म करके राष्ट्रवाद सर्वोपरि के सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए मैनपुरी में भी भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा सदस्य बनेगा। और जो परिवारवाद है, ये जनता ने नकार दिया है। जनता चाहती है कि परिवारवाद खत्म हो, राष्ट्रवाद, प्रदेश हित, जनता हित और विकास मुद्दा। जिस तरीके से करहल में पहली बार क्योंकि आए लोकसभा विधानसभा चुनाव में तो आए थे, गिरोल क्षेत्र में आए थे, करहल विधानसभा क्षेत्र में, तो अब करहल में पहली बार आ रहे, जो लोकसभा उपचुनाव है, इसको किस तरह से आप करहल समाजवादी पार्टी का मानना है कि करहल जो है हमारा गढ़ है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है कि सबका साथ सबका विकास के फार्मूले पे चलती है। जातिवाद की राजनीति समाजवादी पार्टी करती है, हम राष्ट्र की राजनीति करते हैं। और इसके तहत कहीं ना कहीं लोकसभा के किसी क्षेत्र में जाना था माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, एक ऐसी विधानसभा चुनी जिसको ये अपना गढ़ मानते हैं। और निश्चित तौर पर करहल की जनता, करहल विधानसभा की जनता भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जिताएगी। देखिए, करहल की जनता भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जिताएगी, ये कहना है। अब योगी जी, हम भी अब करहल में पहुंचने वाले हैं, जिस तरीके से हम दुमीला पार करने जा रहे हैं, और जिस तरीके से एक बार फिर से कहेंगे अपने प्रश्न से दिखाए, देखिए विशाल जनसभा और थोड़ा ये चल रहा है, चेकिंग भी चल रही है, थोड़ा इसको भी हम दिखाना चाहेंगे जिस तरीके से चेकिंग चल रही है। क्योंकि जो चेकिंग है लोकसभा उपचुनाव को देखते हुए, ये पूरा चेकिंग चल रहा है, बहुत ही कहा जाए पुलिस प्रशासन, जो चुनाव आयोग द्वारा कहा गया है, पूरा संपूर्ण चेकिंग होनी चाहिए।